जारा उठ जो, तब सैरी का टाइम थोड़ा सा रहेगा। उठ जो, उठ जो। हेलो अम्मी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट सैरी डन। आजकल टिकटॉक पर ट्रेंड चला हुआ है ना। अच्छा ये पकड़ो चाय, मेरे ऊपर गिरने लगी थी जारा। चलो जी सैरी होगी, 10 मिनट रह गए रोज़ा बंद हो। आज था पहला रोज़ा और मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं सुबह यानी सहरी से लेकर अफ्तारी तक की रूटीन आप लोगों से शेयर करूंगी, लेकिन सुबह इतना टाइम जल्दी गुजर रहा होता है कि बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा था। भागम भाग में मैंने भी सहरी की और अफ्तारी का भी टाइम ऐसे ही होता है, अल्लाह जाने। ऐसा लगता है कि सुई जो है ना वो बिल्कुल ऐसे गोल 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 फटाफट घूमी जा रही घूमी जा रही। खैर यहाँ पर जी नमाज वमाज पढ़ के मैं सो गई थी, उठी और उठते साथ ही मुझे ख्याल आया कि मैंने बहुत ही ज़्यादा कोई मैं कहती हूँ साल ही हो गया होगा कि मैंने कोई ऑयलिंग नहीं की। उसके बाद जो दूसरा काम था वो लिस्ट बनाने का था कि आज क्या बनाया जाए, सो ये चीज़ें सेलेक्ट की मैंने ना। ये वाला विंसी का वाइटनिंग स्क्रब फेस वॉश मंगवाया और मैं आपको इसका क्या बताऊँ, लाइक यार मैं हैरान होती हूँ कि इतनी बंदा किस पे रिलाई करे, किस पे ट्रस्ट करे। इतना अच्छा ये ब्रांड है विंसे, बहुत बहुत आला है और बहुत सी इसकी अच्छी भी है। मैं ये नहीं कहती, बहुत सी प्रोडक्ट इसकी बहुत अच्छी हैं, बहुत आला है, लेकिन जो इसका ये फेस वॉश है ना, ये वाइटनिंग स्क्रब जो है, इसकी तो मुझे समझ ही नहीं आई। फेस पे लगा लो, जितनी दफ़ा मर्जी मुंह धो लो, इसने उतरना तो है ही नहीं ना। कसम खाई हुई इसने कि भाई मैंने तो नहीं स्किन से उतरना। अच्छा ये जो है ना, इसको तो यूज़ करके मैंने देख लिया, सेम डे वैसे मैंने ये और इसके साथ ये मंगवाया था मॉइस्चराइज़र, लेकिन इसका जो रिव्यू है ना वो मैं आपको कुछ दिनों बाद दूँगी, क्योंकि इसको मैंने अभी इतना यूज़ नहीं किया, 1 से 2 दफ़ा ही मैंने इसको लगाया अभी तक। और बाकी इसको यूज़ करती हूँ फिर मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दूंगी, क्योंकि एक तो चल बहुत रहा है, दूसरा बहुत एक्सपेंसिव है, तो हमें लगता है जो चीज़ें महंगी हो ऑब्वियसली अच्छी होती होंगी, तो देखते हैं अब इसका क्या हालात है। इस ड्रेस को आज सुबह ही मैंने निकाल के ना रखा हुआ था कि बस आज शॉवर लेके मुझे यही पहनना है। पहले तो मैं इसका मटेरियल दिखाऊं, कितने मोती तारे सितारे बटन, कोई चीज़ नहीं मैंने छोड़ी जो मैंने इस ड्रेस पे नहीं लगाई। और ये ड्रेस था मेरा 2019 का और एक दफ़ा भी नहीं पहना और स्टिल ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज मैंने सुबह सहरी टाइम निकाला कि बस शॉवर लेके मैं यही पहनूंगी, लेकिन नहीं, फिर नहीं पहना। मैंने कहा नहीं ये कम्फर्टेबल नहीं है, सो मैंने इसको वैसे किसी को गिफ्ट कर दिया। अच्छा जोहर की नमाज़ पढ़ी यहाँ पर और ये मेरा फेवरेट जय नमाज है और ये मक्का मुकरमा से आया था, अम्मा जान को किसी उनकी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था उम्र से वापसी पे। और जी नमाज़ पढ़ के उसके बाद मैं गई किचन में, जो पहला थोड़ा करने वाला काम था शाही टुकड़े बनाने का, उसका मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स निकाले और उन्हें दूध के अंदर ऐड करके दूध को हल्की आंच पे मैंने रख दिया था। तो मैंने कहा था बाकी काम जो है असर की नमाज़ के बाद देखूंगी। अच्छा जी आज हम लोग अफ्तारी में बना रही हैं, मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। उसके लिए दूध बॉईल के इसके अंदर पिस्ता और बादाम डाल के, काजू नहीं डाला, पिस्ता और बादाम डाल के, कहने लगी थी काजू काजू मुँह पे पक गया हुआ। ज़ारा बना रही है जी दही भले, दही बड़े। बस सहरी की तरह ना यहाँ पे भी इतना लेट हो रहा था कि बस छोटे छोटे ही मैं इक्का दुक्का क्लिप जो रिकॉर्ड कर सकी, शाही टुकड़े दही भले वगैरह के, बर्गर नहीं बना सकी थी, टाइम बहुत कम था, बस पकौड़े शाही टुकड़े दही भले और क्रीम चाट बनाई, और दैट स्वीट क्रीम चाट भी वो जो ज़ारा ने बनाई और मैं वो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। यहाँ पे अफ्तारी का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका था, सो बाकी मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इसलिए यहीं पे मैं अपने व्लॉग का इख्तिताम करी। जल्द एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।